हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं बेयरिंग के बारे में। बेयरिंग का यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा होता है। बेयरिंग के बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको आने वाले सीरीज में आपको हम बताएंगे। फंक्शन ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग का फंक्शन क्या है? अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो नंबर वन, बेयरिंग कैन टेक लोड ऑफ द मशीन। कोई भी मूविंग मशीन है, आप देखते होंगे तो वहां पर हैवी लोड जनरेट होता है। वो एक्सियल लोड है, रेडियल लोड है। एक्सियल लोड मान लीजिए कोई फैन है, वो फुल स्पीड में चल रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या रहेगा कि वो एक तरफ से एयर लेगा और दूसरे तरफ में एयर इंपार्ट करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक एक्सियल फोर्स जनरेट होगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर है, पहले उसका ब्लेड सीधा रहता है, जब फुल आरपीएम में जाता है हल्का सा ब्लेड को जब टिल्ट करते ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देता है। तो जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में फैन का रोटेशन होता है, वो देखिए कितना हैवी लोड को लेके लिफ्ट कर लेता है पूरे हेलीकॉप्टर को। मतलब वहां पर एक जबरदस्त एक्सियल लोड जनरेट होता है। वही केस मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्रियल फैन है, अगर फैन फुल आरपीएम में चल रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक जबरदस्त एक्सियल लोड जनरेट होगा। उस फैन के इंपेलर को अपने पोजीशन में मेंटेन करके रखे, वहां पर वेयरिंग का यूज होता है, वो ग्रिप बना के रखता है। तो वहां एक्सियल लोड, रेडियल लोड, फैन का इटसेल्फ वेट होता है और जो ड्रिवन ड्राइव होता है फैन को, चाहे वो वी वेल्ड के द्वारा है, चाहे वो मोटर डायरेक्ट कपल के द्वारा है, वहां पर एक रेडियल लोड जनरेट होता है। तो उस रेडियल लोड को भी विदस्टैंड करने का क्षमता होना चाहिए बेयरिंग में। तो बेयरिंग सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी मेंटेन करता है मशीनरी में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल सी बात है, जब बेयरिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था उस कंडीशन में क्या था कि हैवी लोड को जब एक दूसरे स्थान से मूव कराया जाता था तो वहां पर ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ता था। सिंपल सी बात है, जब हम बचपन में खेला करते थे तो एक बेयरिंग छोटे छोटे लगा के एक गाड़ी बना लेते थे, तो वहां पर क्या था कि आसानी से हम किसी भी आदमी को, दो तीन आदमी को बैठा के आसानी से लेके जा सकते हैं। तो वहां पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाता है, इससे क्या होगा कि हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। बेयरिंग का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। जब हैवी गियरबॉक्स हुआ करते थे रॉ मिल एप्लीकेशन के लिए, आज वो कम्पैक्ट डिजाइन का हो गया, मतलब बेयरिंग भी रिड्यूस हो गया, गियर टेक्नोलॉजी भी रिड्यूस हो गया। तो बेयरिंग का सबसे अहम रोल होता है। बेयरिंग के साथ में लुब्रिकेशन की एक्टिविटी जो है, जो कि फ्रिक्शन को फुल्ली रिड्यूस करके एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ में आगे बढ़ाता है। तो दो टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी भी हैवी पार्टिकल को, एक मान लीजिए बड़ा सा बॉक्स है, उसको मूव करना है, तो जब हम मूव करेंगे तो वहां पर हमको हैवी फोर्स जनरेट करना पड़ेगा उस पार्ट को मूव करने के लिए, उस बॉक्स को मूव करने के लिए। बॉक्स का बॉटम पोर्शन का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से अगर हम सीधा बॉटम पोर्शन पे स्लाइड करेंगे तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो मतलब अगर मान लीजिए कि हम 50 केजी के हैं तो करीब करीब 40 केजी का सामान, 35 केजी का सामान आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि हम बॉटम में हल्का सा ग्रीस अप्लाई कर दिए तो वहां पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, तो आराम से वही बॉक्स को हम कम फोर्स में ही मूव करा सकते हैं। दूसरा रोलिंग एलिमेंट है। अगर हम रोलिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो आपका बैग है, जब आप बैग को मूव कराते हैं तो आप देखेंगे वहां पर छोटी छोटी रोलर की बेयरिंग लगी रहती है, तो आसानी से हैवी बैग आप ट्रेवल करके ले जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एग्जर्टेड फोर्स है वो सारा रिड्यूस होता है। तो बेयरिंग के इन्वेंशन के बाद में एनर्जी कंजम्पशन, जो बड़ी से बड़ी मशीनरी हुआ करती थी, वो अब शॉर्ट में होने लगी है, तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अगर हम बात करते हैं बेयरिंग का हिस्ट्री के बारे में, बहुत साल पहले
जब बेरिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं था, उस समय मोनूमेंट नहीं बना करते थे, मोनूमेंट बनते थे, लेकिन वहां पर क्या था कि हमको ज्यादा फोर्स और ज्यादा मैन पावर का यूज करना पड़ता था। मान लीजिए कोई बड़ा सा सीप है, उसको अगर हमको मूव कराना पड़ता था तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग लगते थे और सीप को मूव कराते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए। तो वहां पर बहुत सारे हिट एंड ट्रायल हुआ करते थे कि हम कैसे सीप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। कभी पत्थर में गोल रोल का यूज हुआ, रोलर को यूज करके दो प्लेस पर रख के उसको मूव कराना धीरे धीरे चालू किए। 1797 में धीरे धीरे इन्वेंशन बढ़ता गया। सबसे पहले क्या है, वुडन का रोलिंग एलिमेंट बनाया गया, उसके बाद रोलर बनाया गया लकड़ी का ही, फिर पत्थर का, और धीरे धीरे 1869 में वो कन्वर्ट हुआ मेटल पार्ट में। उस समय भी हैवी बेरिंग बना करते थे, लेकिन बेरिंग का साइज धीरे धीरे कर बेरिंग का इंट्रोडक्शन हुआ 1995 में, इमीडिएट जो बेरिंग का साइज था वो रिड्यूस हो गया। तो वहां पर लुब्रिकेशन का सबसे अहम रोल रहा कि जो फिल्म थिकनेस है, जो लैम्डा वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा प्ले रोल अदा करने लगा। लुब्रिकेशन का क्वालिटीज बनने लगा, सिंथेटिक ऑयल का यूज होने लगा, तो बेरिंग का भी साइज रिड्यूस होने लगा, जो कि जिससे कि हैवी डायनेमिक और स्टैटिक लोड लेने की क्षमता बढ़ गई, बेरिंग का लाइफ बढ़ गया। इसी प्रकार से बेरिंग का इन्वेंशन चालू हो पाया। तो सबसे ज्यादा जो रोलिंग एलिमेंट का यूज हुआ आज के डेट में, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, पहला है बॉल, जो कि बॉल बेरिंग के रूप में आप जानते होंगे। एस्फेरिकल रोलर का यूज होने लगा। एस्फेरिकल रोलर में एक सिमेट्रिकल टाइप का है, एक एसिमेट्रिकल टाइप का है। सिलेंडर रोलर का यूज होता है, निडल रोलर का यूज होता है, और टेपर रोलर का यूज होता है। मींस रोलर, स्पेरिकल रोलर, टेपर रोलर, निडल रोलर और सिलेंडर रोलर, तो इन टाइप के एलिमेंट बेरिंग में आज के डेट में यूज हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द बेरिंग, तो सिंपल सी बात है, कंपोनेंट जो आज के डेट में बेरिंग है, सबसे पहले आउटर रेंज हो गया, इनर रेंज हो गया। इनर रेंज और आउटर रेंज के बीच में बॉल आएगा, वो चाहे बॉल बेरिंग है, चाहे वो सिलेंडर रूप में है, चाहे वो टेपर रूप में है। उस बॉल को रोकने के लिए केज का यूज होता है। तो केज क्या है, उस पोजीशन पे मेंटेन करके रखता है बॉल को, वो बाहर बॉल को आने नहीं देता है। अब किसी किसी बेरिंग में केज का भी यूज नहीं रहता है, उसमें ही बेरिंग में ही जो इनर रेस है आउटर रेस में ही ग्रुप कटे रहते हैं, उसी ग्रुप में ही वो रोटेट करता है। प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग होता रहा है, इसलिए हर एक बेरिंग में अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उसमें होल रहते हैं कि 3 पॉइंट पे होल रहेगा, जिससे कि उसका लुब्रिकेशन किया जा सके। बेरिंग बेसिक कि आज के डेट में बॉल बेरिंग, स्फेरिकल रोलर बेरिंग और टेपर बेरिंग। तो बॉल बेरिंग में क्या है कि पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है। तो बॉल बेरिंग में क्या होता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है। पॉइंट कॉन्टेक्ट मतलब वो आउटर और इनर सरफेस पे ओनली पॉइंट में रोल करेगा। तो बॉल बेरिंग में पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा, पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा तो इसका मतलब है वो कम पावर लेगा कोई भी मशीनरीज को घुमाने के लिए। स्फेरिकल रोलर में क्या है कि वहां पर लाइन कॉन्टेक्ट होता है, वो ज्यादा लोड लेगा लेकिन वहां पर पावर ज्यादा रहेगा किसी भी मशीनरीज को घुमाने के लिए। सेम टेपर रोलर में भी लाइन कॉन्टेक्ट होता है, तो लाइन कॉन्टेक्ट में क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उस कंडीशन में क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा पावर लेगा किसी भी पार्ट को घुमाने के लिए, लेकिन वो लोड कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा लाइन कॉन्टेक्ट में होगा। तो दो टाइप के कॉन्टेक्ट हुए, एक पॉइंट कॉन्टेक्ट हुआ, एक लाइन कॉन्टेक्ट हुआ। पॉइंट कॉन्टेक्ट में बॉल बेरिंग आएगा। बॉल बेरिंग में क्या रहेगा, जो पॉइंट कॉन्टेक्ट है कि पावर कम लेगा, हायर स्पीड के लिए अप्लीकेबल रहेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका कम रहेगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सबसे कम रहेगा। तो बॉल बेरिंग में ही आप देखते होंगे डीप ग्रुप बॉल बेरिंग आता है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेरिंग आता है, और सेल्फ लाइनिंग बॉल बेरिंग टाइप के आते हैं। और दूसरा है लाइन कॉन्टेक्ट। लाइन कॉन्टेक्ट में क्या है कि वो जाना जाता है हैवी कैरिंग कैपेसिटी लोड के लिए, क्योंकि लाइन कॉन्टेक्ट है
तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना कम नहीं होता है जितना अगर हम कंपेयर करते हैं बॉल बेयरिंग से। हायर स्पीड में नहीं जा सकता है। बॉल बेयरिंग में आप देखेंगे आरपीएम जो फैन का है वो 3000 आरपीएम 4000 आरपीएम तक चले जाते हैं, लेकिन वही स्पिनकर रोलर बेयरिंग स्पिनकर रोलर बेयरिंग में आप देखेंगे कि वो सफिशिएंट आरपीएम 1500 आरपीएम 1400 आरपीएम के लिए ही जाना जाता है कि इस आरपीएम में अच्छा रिजल्ट देगा, बेयरिंग का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, प्लस जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा रहेगा। ये था करेक्टरिस्टिक ऑफ द बेयरिंग। तो बेयरिंग पे जनरली कौन कौन सा लोड अप्लीकेबल होता है? दो लोड, एक रेडियल लोड एक एक्सियल लोड। रेडियल लोड इटसेल्फ जो मशीनरी है जो शाफ्ट है उसका एक लोड रहता है और उस शाफ्ट को चलाने के लिए ड्राइव लगे रहते हैं। तो ड्राइव में अगर हम भी बेल्ट है तो क्या करेगा, शाफ्ट को तो मूव करा रहा है एक, लेकिन एडिशनल फोर्स 90 डिग्री में शाफ्ट के 90 डिग्री में लग रहा है उसको शाफ्ट को घुमाने के लिए, तो वहां पर एक रेडियल लोड लग रहा है। एक्सियल लोड शाफ्ट घूम रहा है तो वो शाफ्ट अगर इंपेलर लगा हुआ है फैन का शाफ्ट है तो क्या करेगा, वो बाहर जाने की टेंडेंसी उसकी होगी, तो बाहर ना जाने पाए तो उसके लिए क्या है? एक एक्सियल लोड जनरेट होकर रहता है। फैन चल रहा है उसकी टेंडेंसी रहेगी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एयर देने का, तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एयर जा रहा है तो एक रिवर्स डायरेक्शन में एक एडिशनल उसी फोर्स के तुलना में उस सेम कैपेसिटी का रिवर्स में फोर्स अप्लाई होगा। अगर वो रिवर्स में फोर्स अप्लाई होगा तो पूरे शाफ्ट को वो रिवर्स में ले जाने की कोशिश करेगा एक्सियली, तो वो एक्सियल फोर्स उस बेयरिंग में इतना होना चाहिए वो बेयरिंग एक्सियल लोड को विदस्टैंड कर सके। साथ में जो एक्सियल लोड लगा 180 डिग्री टू द शाफ्ट एंड 90 डिग्री टू द शाफ्ट जस्ट लाइक ए रेडियल बेयरिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी एक लोड लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सियल प्लस रेडियल। तो इतने टाइप के लोड रहते हैं किसी भी बेयरिंग में, तो वो बेयरिंग विदस्टैंड कर सके स्टैटिक लोड को, डायनेमिक लोड को, रनिंग कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में, इन सभी के कंडीशन में ही बेयरिंग का लोड डिसाइड होता है। रेडियल रोलर बेयरिंग के बारे में, पहला आता है बॉल बेयरिंग, दूसरा आता है रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग में आप देख रहे होंगे डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है, एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बेयरिंग है, सेल्फ लाइंग बॉल बेयरिंग है, वही जो रोलर में भी आप देखते होंगे स्पेरिकल रोलर बेयरिंग है, टेपर रोलर बेयरिंग है, सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग है। थ्रस्ट बेयरिंग में जो सबसे ज्यादा एक्सियल लोड को ले सके, मान लीजिए कि सेपरेटर का शाफ्ट है, सेपरेटर का शाफ्ट टॉप में है, शाफ्ट हैंगिंग वर्टिकल पोजीशन में है, वो मूव कर रहा है, तो एक सबसे ज्यादा लोड शाफ्ट पे आएगा एक्सियल लोड कि शाफ्ट गिर ना जाए, रोटेट कर रहा है तो उस कंडीशन में भी गिर ना जाए, तो वहां क्या होगा, एक थ्रस्ट बेयरिंग का यूज होगा। थ्रस्ट बेयरिंग जो कि सबसे ज्यादा एक्सियल लोड ले सकता है, तो थ्रस्ट बेयरिंग में बॉल बेयरिंग भी आता है और दूसरा रोलर बेयरिंग भी आता है। तो बॉल बेयरिंग में थ्रस्ट बेयरिंग आ गया, एंगुलर कॉन्टेक्ट थ्रस्ट बेयरिंग आ गया, वही रोलर बेयरिंग में थ्रस्ट बेयरिंग के केस में सिलिंड्रिकल टाइप का भी रहेगा, रोलर टाइप का भी रहेगा और टेपर रोलर बेयरिंग रहते हैं। तो दोस्त आज था ये बेसिक्स बेयरिंग के बारे में। आने वाले समय में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में बताएंगे कि बेयरिंग का नामनक्लेचर होता है, कितने टाइप के बेयरिंग पाए जाते हैं और इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा बेयरिंग के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए कि उसके क्लीयरेंस के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए कि बिफोर माउंटिंग आफ्टर माउंटिंग बेयरिंग का क्या रेजिडुअल क्लीयरेंस रहता है। मान लीजिए किसी प्लांट में कोई बेयरिंग नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में कौन सा बेयरिंग लगा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आने वाली सीरीज में आपको हम बताएंगे। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन है वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।